दिल्ली नगर निगम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर 13 फरवरी को सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और वो नोटिस दिल्ली सरकार यानी उपराज्यपाल और इसके साथ ही एमसीडी की पीठासीन अधिकारी, एमसीडी कमिश्नर और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि पीठासीन अधिकारी को हटाया जाए, उनकी जगह दूसरे अधिकारी नियुक्त किए जाएं, क्योंकि पीठासीन अधिकारी सीनियर मोस्ट नहीं है। इसके साथ ये भी कहा गया कि जो एल्डरमैन हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं, उनकी वोटिंग पर रोक लगाई जाए, जल्दी से जल्दी चुनाव संपन्न कराए जाएं, क्योंकि 2 महीने रिजल्ट आए हो गए हैं, एमसीडी का गठन हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाया, डिप्टी मेयर का नहीं हो पाया है, जोनल कमेटियों का नहीं हो पाया है। बात सिर्फ यहीं अड़ी हुई है कि पीठासीन अधिकारी ये कहते हैं, यानी प्रोटेम स्पीकर, उनका ये कहना है कि मनोनीत सदस्य भी वोट करेंगे और मनोनीत सदस्य के वोट करने के साथ ही गणित काफ़ी गड़बड़ा जाता है और लोकतंत्र में चूंकि गणित का हिसाब है, वोटों का हिसाब है, अपने अपने सदस्य संख्या का हिसाब है, यानी इस तरह से ये 10 सदस्य जो एल्डरमैन हैं उनके आने से बहुत फर्क पड़ जाएगा, जोनल कमेटीज़ में ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और एक जिच ये भी है जहां मामला अटका हुआ वो ये कि मेयर डिप्टी मेयर के साथ साथ जोनल कमेटी के चुनाव भी साथ ही कराए जा रहे हैं, जबकि डीएमसी एक्ट के मुताबिक एल्डरमैन सिर्फ वोट करेंगे और वो सिर्फ जोनल कमेटियों के लिए करेंगे, लेकिन वो वोटिंग तब होगी जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाए। पीठासीन अधिकारी के जिम्मे सिर्फ मेयर का चुनाव कराना रह जाता है, डिप्टी मेयर का चुनाव कराना और जोनल कमेटीज का चुनाव कराना फिर नए निर्वाचित होने वाले मेयर की देखरेख में होता है। लेकिन फिलहाल अभी कोशिशें चल रही है कि पीठासीन अधिकारी ही सारे चुनाव करा दें, ताकि इसमें ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जिन्होंने 134 के करीब सीटें जीती हैं उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि गणित गड़बड़ हो सकता है, ये 10 लोग इधर भी वोट करेंगे उधर भी वोट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसी चीज़ का फैसला करेगा कि आखिर वोटिंग हो तो कैसे हो और वोटिंग कब हो। फिलहाल इंतज़ार चल रहा है कि इन तमाम लोगों की तरफ से जवाब दाखिल होने का, यानी जवाब आए तो पता चले कि आखिर पीठासीन अधिकारी और बाकी लोग किस नियम के तहत चुनाव कराना चाहते हैं, मतदान को लेकर जो हुआ बहू की स्थिति है उसमें क्या किया जाए।